हेलो एवरीवन, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट नेचुरल ज्वाइन। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था थीटा ज्वाइन के बारे में, और हमने ये भी देखा था कि थीटा ज्वाइन के लिए हमको ज़रूरत पड़ती है कंपेरिजन ऑपरेटर की, लेकिन नेचुरल ज्वाइन में कंपेरिजन ऑपरेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती। नेचुरल ज्वाइन एक तरह का इनर ज्वाइन है, और नेचुरल ज्वाइंस में हमें ज़रूरत पड़ती है कॉमन कॉलम्स की। यानी कि आपको टेबल्स को आपस में ज्वाइन करना है, डेट मीन उनके बीच में क्या होना चाहिए, कॉलम्स कॉमन होना चाहिए, साथ ही उनकी वैल्यूज़ भी सेम होना चाहिए। यदि हम यहाँ पर देखें तो इसे टेबल नंबर 1 ले लीजिए, यहाँ पर टेबल नंबर 2 ले लीजिए, साथ ही एक रिजल्टिंग टेबल हमको यहाँ पर 3 मिल जाएगा। हमें 1 और 2 टेबल को ज्वाइन करना है, लेकिन कंडीशन क्या है कि कुछ कॉमन कॉलम्स होना चाहिए। तो यस, यहाँ पर डिपार्टमेंट नाम का कॉलम दोनों में ही कॉमन है। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों टेबल्स को आपस में ज्वाइन कर देंगे तो हमको रिजल्टिंग टेबल यहाँ पर मिल जाएगा। तो कॉलम सेम रहेंगे, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, डिपार्टमेंट। देखिए डिपार्टमेंट 2 बार था, लेकिन ये कॉमन है तो हमको एक ही बार लिखना पड़ेगा। देन फी नाम का कॉलम हमने यहाँ पे पुट कर दिया, और जितनी भी वैल्यूज थी हमने सब वैल्यूज क्या कर दी, अ सिटी से यहाँ पे पुट कर दी। और देखिए डिपार्टमेंट क्या था, CSE। हमको फीस कहाँ से मिल गई, टेबल नंबर 2 से, तो हमने क्या किया इसकी फीस यहाँ पे फिल कर दी, CSE की फीस हमने पुट कर दी, इसी की फीस हमने यहाँ पर पुट कर दी, तो हमको यहाँ पे टेबल मिल गया रिजल्टिंग टेबल। तो ये था नेचुरल ज्वाइंस। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम लोग देखेंगे आउटर ज्वाइन के बारे में, साथ ही हम लोग ये देखेंगे कि आउटर के अंदर लेफ्ट आउटर क्या होता है, राइट आउटर क्या होता है, एंड फुल आउटर ज्वाइन क्या होता है। इस लेक्चर वीडियो में कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए, मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।